प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकल फॉर वोकल को सफल बनाने में हमीरपुर जिला का एक परिवार दिन रात जुटा हुआ है। हमीरपुर जिला के ग्राम पंचायत दंगड़ी के गांव सैलांदी बाहल में सालों से हाथों से मिट्टी के निर्मित होने वाले सामान को ये परिवार तैयार कर रहा है, जिसकी डिमांड दिनों दिनों बढ़ती जा रही है। गर्मियों का सीजन आते ही अब परिवार के सदस्यों के सहयोग से मिट्टी के बर्तन बनाने के साथ साथ सजावट पूजा का सामान भी तैयार किया जा रहा है। सैलांदी बाहल गाँव के जोगिंदर सिंह के द्वारा पुराने तौर तरीकों से मिट्टी से तैयार किए जा रहे बर्तनों को लोग भी काफी पसंद कर रहे हैं और घर में ही बने हुए सामान की बिक्री भी हो जाती है। जोगिंदर सिंह ने बताया कि पिछले 10 सालों से मिट्टी के बर्तन बनाने का काम कर रहे हैं और सीजन का ही ये काम होता है। उन्होंने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि पहले लोग प्लास्टिक का ही सामान इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन अब फिर से लोगों का रुझान मिट्टी के बर्तनों की ओर बढ़ा है, जिससे हमारा काम धंधा चल पड़ा है। 10 वर्ष हो गए, वैसे पहले भी बनाता था, पिताजी बनाते थे ना, अब रेगुलर 10 साल हो गए। तो घड़े बनाने के लिए क्या, जो आजकल जो दुनिया है जो तो प्लास्टिक के घड़े यूज कर रही है, हाँ जी, तो आप क्या कहेंगे, आपका व्यवसाय कैसे चल रहा है? ये अच्छा चल रहा है। अब ये प्लास्टिक के जो घड़े थे अब बिल्कुल कम चल रहे हैं। पहले हमारे को पूछता भी नहीं था, मिट्टी के घड़े बिल्कुल बंद हो गए थे। अब कुछ टाइम से मिट्टी के बर्तन जो है ये खूब लग रहे हैं, बन रहे हैं, लोग ले रहे हैं। पैसे है, सीजन का काम होता है ये। अब 2-3 महीने गर्मी में लग जाएंगे, फिर आगे बरसात में बंद हो जाएगा, फिर बरसात सर्दी में भी बंद हो जाएगा दिवाली के बाद। गड़ा बनाते हैं, गुड़ोली बनाते हैं, कलश, औली, करवा, दीजिया, टिपहरी, जो जो भी सामान होता है बना लेता हूँ मैं। डिमांड कितनी कर रहे हैं? डिमांड जितना मेरे से बनता है, थोड़ा ही बनता है, उतनी डिमांड है, बाकी ज्यादा बने तो ज्यादा हो जाए। वहीं युवक ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लोकल फॉर वोकल को बढ़ावा दिया जा रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। उन्होंने बताया कि मिट्टी के बर्तन बनाने में बहुत मेहनत है, इसलिए इन चीजों के दाम भी ज्यादा मिलने चाहिए। मैं सियालंदी बाहल गांव का रहने वाला हूँ। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री लोकल फॉर वोकल का नारा दे रहे हैं, तो इससे मैं समझता हूँ कि हमारे देश में जो लोकल चीजें हैं उनका ही उपयोग हो, इससे हमारी जो घरेलू उत्पादकता है वो भी बढ़ेगी और हमारी जो आगे की पीढ़ी है उसमें भी जागरूकता होगी। हमारे पापा यहाँ काम करते हैं तो उनके साथ हम हाथ बटाते हैं। वैसे इस काम में बहुत मेहनत है, लेकिन अभी मांग कम है और मैं चाहता हूँ कि जो लोग हैं उनमें जागरूकता बढ़े, बाज़ारों में हमारी कीमतों की जो मूल्य हैं वो ज़्यादा हो और डिमांड भी ज़्यादा हो। उससे होगा कि हमारे जो लोकल चीज़ें हैं वो बहुत प्रसिद्ध हो जाएंगी और इससे हमें ही फायदा होगा और हमारे देश को, हमारे देश का पैसा हमारे देश के लिए लग जाएगा। स्थानीय महिला महेंद्रा कुमारी ने बताया कि मिट्टी के बने हुए बर्तनों को लोग कम इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन लोग भी चाहते हैं कि मिट्टी के बनाए बर्तनों का ज्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि मिट्टी से बनाए गए बर्तनों से बीमारी भी नहीं होती है और इनमें रखे गए सामान और अन्य चीजें भी अच्छी तरह सुरक्षित रहती हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने भी कहा है कि लोकल फॉर वोकल के लिए काम किया जाए। घड़े जेड़े हमारे पिंड है वो पुराने जमाने की परंपरा है, उन्हें लोग कम यूज करे दे। पहले तो जेड़ी ने परंपरा ये पहले यही थी, कने हूँ जेड़े लोग है इन्हें घट यूज करे दे, कने यहाँ ये चाहते भाई पुराने जमाने जेड़ी परंपरा सही होना चाहिए। ये जेड़ी मिट्टी है घड़े बने ये सारे ते बीमारियां सारे ते वधिया न, कने जेड़े प्लास्टिक दे यूज करा दे वो बीमारी फैलांदे। हाँ जी वो ठीक बोलते, उन्हें तो सारे स्वस्थ सारी सुविधा ठीक है, कोई बीमारी नहीं, सारिया बीमारियां तो मुक्ति सब सारे चे, मतलब पानी यूज अपने घड़े का करने तो सारे सब बेस्ट है भाई। युक्ति दीक्षा का कहना है कि मिट्टी से बनाए गए बर्तन जहां सस्ते पड़ते हैं तो बढ़िया भी होते हैं, इसलिए लोगों को इन्हें खरीदने के लिए भी आगे आना चाहिए। उन्होंने बताया कि पहले बाजार में मिट्टी के बर्तनों की कम डिमांड थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान के बाद लोगों में अब जागरूकता आई है, जिससे सामान काफी अच्छा बिक रहा है। हमारे ताया जी वो ये काम करते हैं, लेकिन आजकल की जो पीढ़ी है वो इन कामों को नहीं करती है, और ये काम क्योंकि आजकल जो वो प्लास्टिक के घड़े वगैरह बनाए जा रहे हैं, तो इस ये काम जो आजकल नहीं किया जा रहा है और हम करते हैं ये काम।
प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छा बोल रहे हैं। आजकल जो दिवाली के टाइम में सबसे ज़्यादा यूज़ इन सामानों का ही होता है, और आजकल लोग जो दिवाली के टाइम में प्लास्टिक के दिए वगैरह का भी प्रयोग कर रहे हैं, तो उनसे अच्छा है कि लोकल चीज़ों का इस्तेमाल करें। ये लोगों के लिए सस्ते भी पड़ेंगे और अच्छे भी रहेंगे। गौरतलब है कि पुराने जमाने में मिट्टी के बर्तनों का सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता था, जिससे बीमारियां बहुत कम लगती थी, लेकिन अब प्लास्टिक के बर्तनों की भरमार होने के चलते पारंपरिक काम धंधों पर भी असर पड़ा है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर इस काम में जुटे हुए लोगों को फायदा मिलना शुरू हुआ है और लोगों का रुझान भी अब इस ओर काफी बड़ा है।